जी सर, आज करियर पॉइंट कोटा की ओपनिंग हुई है, बताएं करियर पॉइंट कोटा किस प्रकार की सर्विसेज मैनेजमेंट क्षेत्र में देगा। बेसिकली करियर पॉइंट कोटा बेस्ड है, 93 से कोचिंग कोटा में प्रोवाइड कर रहा है और लाखों इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ऑलरेडी करियर पॉइंट प्रोड्यूस कर चुका है। जैसे पता है आपको, कोटा कोचिंग हब है और पूरे नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में फेमस है कोचिंग के लिए। लाखों बच्चे पूरे इंडिया से वहाँ पे जाते हैं। एग्जैक्टली जो एकेडमिक सिस्टम कोटा में है, जिस तरह की क्वालिटी कोचिंग की या फैकल्टी की जो भी सिस्टम रहता है, वो एग्जैक्टली सिस्टम यहाँ पर रादर उससे बेटर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मली कोचिंग के लिए क्या रहता है कि ठीक है, बच्चा मेहनत कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्मार्ट हार्डवर्क करे, उसको प्रॉपर गाइडलाइंस मिले, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी जो टेक्निक्स हैं वो बच्चे को नहीं पता होती हैं, तो वो सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नॉर्मली क्लासरूम के बाद में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टीचर ने तो टीचिंग कर दी, उसके बाद जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी के लिए हमने यहाँ पर एक प्रोविज़न रखा है, एक लाइब्रेरी भी हम बना रहे हैं यहाँ पर। कई बार बच्चों के घर पे वो माहौल नहीं होता कि जो अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें, तो बच्चा यहाँ पे भी आफ्टर क्लासेस बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी कर सकता है, टीचर्स यहीं पे रहेंगे, डाउट्स ले सकते हैं। अलोंग विद दैट जो टेस्ट होंगे बच्चों के, जो एंट्रेंस एग्जाम एक्चुअली में आईआईटी में एडमिशन के लिए होते हैं, वो कंप्यूटर पर होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। सेम कंप्यूटर, सेम सॉफ्टवेयर, सेम प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ पर बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि जब बच्चा रियल एग्जाम में बैठे तो उस टाइम पे उस बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और वो इजीली अपने आप को क्रैक कर सके। बात करें यहाँ पर जैसे रूरल एरिया है, तो गर्ल्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या किया? हाँ, गर्ल्स के लिए देखो, एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसमें हमें जो भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है सेफ्टी के लिए वो हम साथ में देंगे। कोचिंग में गार्ड भी रहेंगे, जो सीसीटीवी है पूरे पूरे कैंपस के अंदर ना, एक वो भी एक सेफ्टी की बात है। इसके अलावा हमारे जो स्टाफ रहेगा, मेल फीमेल दोनों का स्टाफ रहेगा, है ना, काउंसलिंग भी रहेगी। अगर बच्चा स्पोर्ट्स डिस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, डिस्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, तो उसको कैसे काउंसिल करना है, उसको किस तरह से साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना है, वो सारे फैक्टर्स भी रहेंगे। महेंद्रगढ़ जो आज एक अपने आप में शिक्षा का हब है और मिनी कोटा कहते हैं, अब करियर पॉइंट कोटा आप वैसे ले आए हैं, तो क्या विजन है, किस विजन के साथ लेकर आए? विजन सबसे पहले तो यही है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पला बढ़ा हूँ और बच्चों में यहाँ पर टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं और उस तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाती, उस तरह की फैकल्टी नहीं मिल पाती। वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का मेन मेरा मकसद है। और जैसे मैंने कहा था पहले भी कि मैं यहाँ पे किसी बिजनेस या व्यापार के लिए नहीं आया, मेरा पर्पज़ है कि मैं, मुझे यहाँ की मिट्टी ने बहुत कुछ दिया है, मैं वापस अपनी अपने जो है ना उस समर्पित करना चाहता हूँ अपने इलाके। आज जो गेस्ट के रूप में बहुत सारे लोग आए हैं, उनके लिए क्या? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी ने अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे पहुँचे और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, हमारी सारी टीम को आशीर्वाद दिया, उनके उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार के कोर्सेज पर खास फोकस कर रहे हैं? हम यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज हैं, एक तो हैं प्री फाउंडेशन कोर्सेज जो क्लास 8th और 9th और 10th में रहेंगे। नॉर्मली क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे हैं 10th के एग्जाम के बाद में भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस करियर में जाना है, उनको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, तो हम सिस्टम बना रहे हैं कि क्लास जूनियर क्लास में ही ये चीज़ क्लियर हो जाए कि उस बच्चे का टैलेंट मैथ्स में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या उसका अकाउंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैंने देखा है कि अगर टाइमली ये चीज़ डिसाइड हो जाए, पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ में, हमारी काउंसलिंग के साथ में, कि टाइमली हम डिसाइड कर लें कि ये बच्चे मेडिकल में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या नॉन मेडिकल में ज़्यादा होगा या आईआईटी में जाने के चांसेस है, तो हम उसी हिसाब से बच्चे को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी यूएसपी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। जैसे मेरा मोहाली में जो कैंपस है, 9th में हम बच्चे को डिसाइड कर देते हैं कि इस बच्चे को किस स्ट्रीम में जाना है और वहीं से ग्रूम करना शुरू कर देते हैं। उसको 4 साल के बाद में रियल एग्जाम में अपीयर होना है, लेकिन हम 4 साल पहले ही शुरू कर देते हैं, सो दैट जब रियल एग्जाम के टाइम पे किसी तरह का स्ट्रेस ना रहे और उसके सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस हैं, मतलब 90% बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी, अगर बात करें यहाँ की इस क्षेत्र की, तो मान लीजिए डे बोर्डिंग क्लास लेकर जा सकते हैं बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे बाहर से भी आपके पास पढ़ना चाहते हैं, हॉस्टल वगैरह है? या हॉस्टल की फैसिलिटी हमारे पास यहाँ टॉप पे है, हमारे पास तकरीबन अभी ज़्यादा नहीं बट 40-45 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, तो वो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा। जब हमें लगेगा कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे पूरी पीछे एक्सपेंशन की पूरा स्कोप है। बात करें किसी भी शिक्षण संस्थान की, तो उसमें शिक्षक एक अहम भूमिका निभाता है, शिक्षक कैसे हैं यहाँ पर? शिक्षक हमारे कोटा से ही हैं, हाईली एक्सपीरियंसड हैं, हाईली पेड हैं और इनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरा मेन फोकस यहाँ पे नहीं, हमेशा से क्वालिटी पर रहा है,
जो बेस्ट टीम होगी यहाँ पे महेंद्रगढ़ में या यहाँ के इलाके में, इस तरह के टीचर्स नहीं होंगे जिनकी इतना एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू सो मच।